दोस्तों, अगर आप घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्या आप यूपीएससी आईएएस परीक्षा को क्रैक करने का इरादा रखते हैं लेकिन दिल्ली आकर कोचिंग क्लास के बजाय अपने घर पर तैयारी करना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर हैं। हम आज आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए अपने घर पर ही तैयारी करने के कुछ महत्वपूर्ण कदमों और रणनीतियों के माध्यम से आपको तैयार होने में मदद करने वाले हैं। दोस्तों, पहला कदम है पाठ्यक्रम से अवगत हो जाएं। अपनी तैयारी यात्रा में जाने से पहले यूपीएससी परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम से परिचित होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा के नियम क्या हैं, तरीके क्या हैं और शामिल होने वाले विषयों को समझने की शुरुआत करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर प्रश्नों की कठिनाई का मूल्यांकन करें और परीक्षा प्रश्नों का अभ्यास करने का विचार करें, प्लानिंग करना शुरू करें। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे कदम को, व्यवस्थित हो जाइए। जब आपने यूपीएससी परीक्षा की महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया है तो स्ट्रक्चर हो जाने का समय आ चुका है। एक स्टडी कैलेंडर बनाएं और प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए स्ट्रक्चर हो जाइए, यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू। आवश्यक किताबें इकट्ठा करें और उन्हें आसान पहुंच के लिए अपनी शेल्फ पर ठीक से सजा लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप पढ़ाई की योजना का पालन करते हैं तो यथासंभव लक्ष्य तय करें और उसे पालन करना शुरू कर दें, यानी टाइम टेबल को फॉलो करें। अब सबसे महत्वपूर्ण है कदम नंबर 3, एक व्यवस्थित समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाएं। आईएएस परीक्षा में सफलता पाने के लिए तथा अच्छे ढंग से तैयार होने के लिए निर्धारित दैनिक दिनचर्या बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपनी तैयारी को स्मूथ बनाने के लिए एक समय सारणी तैयार करें, एक टाइम टेबल तैयार करें। यह न केवल आपकी क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि आप दर्शाए गए समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। आप यूपीएससी विषयों में अपनी मजबूत और कमजोरी की पहचान करने और डेडलाइनों का पालन करने के बारे में ईमानदार रहें। जो आपने टारगेट बनाया उसे पाने की कोशिश करें। आइए हम चौथे स्टेप के बारे में बात करते हैं और वो है वैकल्पिक विषय चुनें। वैकल्पिक विषय चुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। एक विषय का चयन करें जिसमें आपके पास मजबूत पृष्ठभूमि हो या जो सामान्य अध्ययनी जनरल स्टडीज विषयों के साथ ओवरलैप करता हो, जिससे जीएस में भी आपको बहुत हेल्प हो। ये रणनीतिक चयन आपको प्रतिस्पर्धा को कम करने में मदद कर सकता है, यानी कंपटीशन को कम कर सकता है और आपके अंकों को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शनल के मार्क्स आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आइए हम पांचवें कदम के बारे में बात करते हैं और वो है कि मासिक पत्रिकाएं पढ़ें, अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करें, मंथली मैगजीन पढ़ें। करंट अफेयर्स के साथ साथ अपडेट रहने के लिए मासिक पत्रिकाएं जैसे प्रतियोगिता दर्पण या सबसे महत्वपूर्ण है योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ें। यूपीएससी पाठ्यक्रम के साथ मेल खाने वाले करंट अफेयर्स के चैनल या कोचिंग के नोट्स और समाचार ऐप्स की सदस्यता ले लें, मेंबरशिप ले लें, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के पब्लिकेशन जैसे PIB और PRS को वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ते रहें। आइए हम छठे कदम के बारे में बात करते हैं और वो है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ना। आईएएस के लिए करंट अफेयर्स अखबार यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का बेस है, आधार है, स्टेटोडायनेमिक का बेस। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता उसका सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि करंट इवेंट के साथ बने रहें, विश्वसनीय अखबार पढ़ें। यूपीएससी परीक्षा में कई प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित होते हैं जिसमें अखबार पढ़ना अनिवार्य होता है, इसलिए दोस्तों अपनी पढ़ाई में न्यूज़पेपर को जरूर शामिल करें। आइए हम सातवें कदम के बारे में बात करते हैं और वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन को पढ़ना। गवर्नमेंट स्रोत यानी सरकारी स्रोत आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे विश्वसनीय होते हैं। गवर्नमेंट कई तरह के पब्लिकेशन को निकालती है, प्रशासनिक मुद्दों और उनके समाधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन स्रोतों का उपयोग करें, जैसे PIB, PRS, द इंडिया ईयरबुक, साथ साथ जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सर्वे और राष्ट्रीय टेलीविजन के जो कार्यक्रम है संसद TV, उसकी जो डिबेट है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब तैयारी यहाँ तक पहुँच जाती है तो हम अब आठवें कदम के बारे में बात करते हैं, वो है NCERT बुक्स। NCERT पाठ्य पुस्तकों के साथ अपनी तैयारी की शुरुआत करें, ये बहुत भरोसेमंद है,
बहुत ही व्यापक हैं और समझने में आसान भाषा के कारण यूपीएससी परीक्षा के लिए एक बहुत मजबूत नींव प्रदान करते हैं। ये अधिक जटिल रेफरेंस पुस्तकों में डूबने से पहले, उनकी शुरुआत करने से पहले एक बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़ी गहराई में जाकर समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे नौवें कदम के बारे में, और वो है डेट और सब्जेक्ट के अनुसार नोट्स बनाएं। जब आप कॉपी में नोट्स बनाएं तो डेट और जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक जरूर बनाएं। याद रखिए, प्रभावी नोट्स यानी इफेक्टिव नोट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इम्प्रूवमेंट और याददाश्त के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अपने नोट्स को क्रमागत यानी सीक्वेंस और विषयगत रूप में व्यवस्थित करें। समझ को बढ़ाने और अपने नोट्स को आसान भाषा में प्रयोग करें, और आवश्यक विषयों के लिए फ्लो चार्ट और चित्रों का उपयोग करें। जितना हो सके LWMI यानी लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन बेस्ड नोट का प्रयोग करें। अब यहां तक बात हुई तो दसवें कदम की बात करते हैं, और वो है पिछले वर्ष के पेपर को हल करें और चेक करें कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है और आप इसमें कितना कर पा रहे हैं। कुछ विश्वसनीय स्रोतों पर टिकें और नियमित प्रोग्रेस पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपकी याददाश्त क्षमता को बेहतर बनाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए आपके आंसर राइटिंग यानी उत्तर लेखन कौशल को बढ़ावा देगा। आइए अब 11वें कदम की बात करते हैं, और वो है मॉक प्रश्न पत्रों को हल करना। नियमित रूप से प्रिलिमिनरी और मुख्य परीक्षा के लिए मॉक प्रश्न पत्रों के साथ अभ्यास करें। आप एग्जाम सेंटर पर जा सकते हैं या आप तमाम तरह के ऑनलाइन पोर्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एक प्लेटफॉर्म है जहां प्री और मेंस के ढेर सारे निशुल्क प्रश्नों को दिया गया है। आप वहां पर उनका उत्तर देते हुए हिंदी और इंग्लिश में अपने जो आंसर है उसको अपलोड भी कर सकते हैं। ये आपके समस्या समाधान कौशल को तेज करेगा और आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ावा देगा। अब हम 12th स्टेप के बारे में बात करते हैं। अच्छे मार्गदर्शन का पता लगाएं, मेंटर्स का पता लगाएं। यदि आत्म अध्ययन संभव है, अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ स्टडी चल रही है, तो विश्वसनीय स्रोतों से मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण खोजना बहुत जरूरी है। उन प्रोफेसर्स, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म या मेंटरों से जुड़ें जो आपकी यूपीएससी यात्रा पर आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कोई आंसर लिख रहे हैं और वो सही है या गलत है, उसमें क्या चीजें इनपुट, इसके लिए मेंटर्स का होना बहुत जरूरी है। तो आप घर बैठे भी मेंटर्स की मदद ले सकते हैं। आप ओजांग आईएएस के ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप ये निशुल्क इसके साथ जोड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपने मेंटर के साथ अपना सेशन तय कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई, उसके टाइम टेबल और आपकी यात्रा कैसी चल रही है इसके बारे में आप उनसे राय ले सकते हैं। आइए अब हम 13वें कदम के बारे में बात करते हैं, और वो है सफल आईएएस कैंडिडेट्स के उत्तरों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। सफल आईएएस उम्मीदवारों के उत्तरों की जाँच करें ताकि आप जो उम्मीद करते हैं अपनी क्वालिटी में, उनकी भाषा समझ सके, गुणवत्ता समझ सके, उन्होंने कैसे आंसर को स्ट्रक्चर किया, कैसे एग्जाम्पल का उपयोग किया, और आपके लेखन स्टाइल को सुधारने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 14वें कदम की बात करते हैं, और वो है उत्तर लेखन अभ्यास, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके आप उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। ये पहले से अलग है। अब जब आप यहां आंसर लिखेंगे तो आप स्किल्ड होकर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को प्रिसाइज करेंगे। जितनी समय सीमा दी गई है, शब्द सीमा दी गई है, वर्ड लिमिट, उसी के अनुसार करेंगे। अपने उत्तरों को कंपैरिजन करें, तुलना करें, और मार्गदर्शक यानी मेंटर से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संपर्क करें कि प्लीज मुझे बताएं कि मैंने जो आंसर लिखा है वो अप टू द मार्क है या नहीं, ताकि आपके लेखन कौशल को वो सुधार सके। और यकीन मानिए, मुख्य परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां तक हो जाने के बाद अब हम 15वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और वो है अभ्यास और रिवीजन। आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ चुकी है, आपने नोट्स बना लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं लेकर आते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने टाइम टेबल में, तो आप पढ़ी गई चीजों को धीरे धीरे भूल जाएंगे। अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रश्न अभ्यास को शामिल करें और रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करें। समय निकालें रिवीजन करने के लिए। कुछ विश्वसनीय स्रोतों पर टिकें, बिलीव करें कि बहुत अच्छा है, जो आपने नोट्स बनाए उसमें अपडेशन करें, और प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुविकल प्रश्नों को हल करते रहें। क्वेश्चन लगाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। और आइए अब अंतिम कदम के बारे में बात करते हैं, 16वां कदम, और वो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि जो इंटरव्यू है, सेल्फ असेसमेंट है, उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। व्यक्तिगत परीक्षण के लिए ठीक तरीके से तैयार हों, जिसमें करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ हो,
उसके साथ आप अपडेट रहें, अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको बार बार रिवाइज करें, और लिस्ट किए गए रुचियों जो आपने वहाँ बताया है कि आपकी हॉबीज हैं उसको बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत भरोसे के साथ तैयारी करना है। और ये श्योर करें, सुनिश्चित करें कि आपने जो आपने इंटरेस्ट हॉबीज दर्शाई हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। अगर आप इन 16 कदमों का पालन करते हैं तो आप अपने घर से ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। याद रखें, यूपीएससी परीक्षा में जो सफलता मिलती है वो दिनचर्या यानी शेड्यूल, अनुशासन डिसिप्लिन और एक अच्छे ढंग से निर्मित अध्ययन योजना यानी स्टडी प्लान के साथ प्राप्त की जा सकती है। और अगर ये स्टडी प्लान बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे मेंटर्स की मदद ले सकते हैं ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम में, कि कैसे हम इसको बनाएं, कैसे हम इसकी तैयारी करें और किस प्रकार से हम इसमें सफलता को हासिल कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप इन 16 कदमों में कितने कदमों को फॉलो करते हैं और अपनी पढ़ाई में और कितनों को शामिल करना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपका गाइड ओजांग अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।